वनिता का 3 शादियों से नहीं भरा मन, अब क्या वनिता जल्द करने वाली है 4थी शादी। नमस्कार, मेरा नाम है सचिन राठौर और आप देख रहे हैं न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया पर हमारा खास शो, जो आपको एंटरटेनमेंट की खबरों से गुजारने के लिए हमेशा तैयार रहता है। आज हम बात करेंगे तमिल एक्ट्रेस वनिता विजय कुमार की। तमिल एक्ट्रेस वनिता विजय कुमार 4थी बार शादी करने जा रही हैं। एक्ट्रेस ने अपनी सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए फैंस को ये गुड न्यूज़ देकर हैरान कर दिया। वनिता कोरियोग्राफर रॉबर्ट के साथ शादी के बंधन में बंधने जा रही हैं। उन्होंने एक फ़ोटो पोस्ट किया जिसमें वो एक खूबसूरत लोकेशन पर घुटनों के बल बैठकर रॉबर्ट को प्रपोज कर रही हैं। इनवाइट नोट में एक्ट्रेस ने लिखा, तारीख सेव कर ले, 5 अक्टूबर 2024 को वनिता विजय कुमार और रॉबर्ट की शादी होने जा रही है। तस्वीर में कपल को मैचिंग आउटफिट्स में देखा जा सकता है और कैमरा के सामने रोमांटिक पोज दे रहे हैं। वहीं रॉबर्ट ने भी अपने इंस्टा स्टोरी पर एक पोस्ट लगाया जिसमें उन्होंने लिखा, वहीं बड़ी अनाउंसमेंट, 5 अक्टूबर 2024 डेट है। वनिता तमिल एक्टर विजय कुमार और उनकी दूसरी पत्नी मुंजला की बेटी हैं। वनिता की ये 4थी शादी होगी। इससे पहले वो पीटर पॉल के साथ शादीशुदा थी। पीटर एक फोटोग्राफर है जिन्हें विनीता के बच्चे भी हैं। बाद में पीटर की पत्नी एलिजाबेथ ने कपिल के खिलाफ तलाक से पहले ही शादी करने की पुलिस कंप्लेंट डाल दी, जिसके बाद मामला खराब हो गया था। वनिता और पॉल की शादी साल 2020 में टूट गई थी। दोनों ने आपसी सहमति से अपने रास्ते अलग अलग कर लिए और ये फैसला लिया। साल 2007 में वनिता की शादी बिजनेसमैन आनंद जयराशन के साथ हुई और राजन ने वनिता की एक बेटी भी है, लेकिन दोनों के बीच बच्चे के लिए हुई लड़ाई के बाद कस्टडी राजन को मिल गई। साल 2000 में वनिता की एक्टर आकाश से भी शादी हुई थी। दोनों के साथ में 2 बच्चे हैं, एक बेटा और एक बेटी, लेकिन दोनों के बीच आपसी लड़ाई के बाद साल 2005 में दोनों ने ये रिश्ता खत्म कर दिया। बात वनिता के करंट बॉयफ्रेंड की करें तो उन्होंने आनंद राजन से साल 2010 में अलग होने के बाद साल 2013 में रॉबर्ट को डेट करना शुरू किया, लेकिन साल 2017 में दोनों अलग हो गए। जब दोनों एक दूसरे को डेट कर रहे थे तब ऐसी खबरें उड़ी थी कि दोनों की शादी होने वाली है, लेकिन बाद में इस खबर को झूठ बताया गया। वनिता ने बताया कि हमने अभी शादी नहीं की, हम अच्छे दोस्त हैं और हम दोनों के परिवार वाले हमारी दोस्ती को अच्छी तरह जानते हैं। हम साथ में एक प्रोडक्शन शुरू करने जा रहे हैं और ये सब बातें भी सोच रहे हैं। शादी भी हमारे दिमाग में है, लेकिन इस बारे में हम आपको खुद बताएंगे। ऐसे अपडेट्स के लिए देखते रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया।